तो ये आपने देखा कि किस तरह से मतदान चल रहा है और सुबह से ही जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। एबीपी गंगा पर सभी बड़ी तस्वीरें और अहम जानकारियां, वोटिंग परसेंटेज आप समय समय पर हासिल करते रहेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात अब राज्यसभा चुनाव की कर देते हैं। इससे जुड़ा क्या अपडेट है जान लीजिए। सपा उम्मीदवारों के बाद आज भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार नामांकन भरने वाले हैं। बिल्कुल, और नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 प्रत्याशी एक साथ नामांकन करेंगे। सुबह 11 बजे विधान भवन के टंडन हॉल में सभी नेता नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है। भाजपा के 8 प्रत्याशियों के अलावा सपा समर्थित 3 प्रत्याशी पहले ही अपना नामांकन कर चुके हैं और आज वक्त है भाजपा के 8 उम्मीदवारों के नामांकन का। सुबह 11 बजे वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ग्यारहवीं सीट की फाइट सपा भाजपा में टाई। राज्यसभा के रण में नामांकन का आज आखिरी दिन है, लिहाजा भाजपा के सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो सपा ने अपने कैंडिडेट का नामांकन पूरा कर लिया है। भाजपा के बाकी बचे 2 प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान देर रात पार्टी ने कर दिया। अब सभी आज नामांकन करेंगे, जिसमें सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे विधान भवन के टंडन हॉल में प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया जाएगा। सपा ने जहां कपिल सिब्बल, जावेद अली और जयंत चौधरी पर दांव खेला है, वहीं भाजपा ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर, राधा मोहन दास अग्रवाल, मिथिलेश कुमार, बाबूराम निषाद, दर्शना सिंह, संगीता यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण को राज्यसभा भेजा है। आपको बता दें कि जो नाम अब तक भाजपा ने राज्यसभा के लिए दिए हैं, उनमें सुरेंद्र नागर को छोड़कर बाकी सभी नए हैं। वही सवाल उन 3 मुस्लिम चेहरों का है जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। जिन मुस्लिम नेताओं का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम का नाम शामिल है, लेकिन इनमें से किसी भी नेता को अभी तक राज्यसभा के उम्मीदवारों में जगह नहीं मिली। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर है। अगर संसद में उनकी वापसी नहीं हुई तो उनकी मंत्री पद की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन राज्यसभा के रण में सबसे बड़ी चाल कांग्रेस ने यूपी को साधने के लिए चली, क्योंकि भले ही यूपी से राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस के पास नंबर ना हो, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से राज्यसभा भेजकर एक बड़ी चाल चली। मैं बहुत आभारी हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे राजस्थान से नामित किया है। अब मैं इस सरकार के खिलाफ जो जनता की आवाज के उसे पूरी ताकत से उठा। दरअसल यूपी में कांग्रेस लंबे समय से हाशिए पर है। 1989 से उसके यूपी में सरकार नहीं बनी है। मौजूदा समय में उसके सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यूपी सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी राज्य को फतेह कर 2014 और 2019 में भाजपा ने दिल्ली का रास्ता तय किया। और अगर कांग्रेस को 2024 में कुछ बड़ा करना होगा तो यूपी में खुद को मजबूत करना होगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से यूपी के नेताओं को राज्यसभा भेजकर खुद को यूपी में मजबूत करने का दांव खेला है, लेकिन उसका यह दांव कितना काम करेगा, यह बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी विधानमंडल में होने वाले दंगल की, क्योंकि आज यूपी विधानमंडल का बजट सत्र खत्म होने वाला है। बिल्कुल, और ऐसे में सरकार हर हाल में यूपी के बजट को दोनों ही सदनों से आज ही पास कराएगी। और ऐसे में लगातार हमलावर जो विपक्ष दिख रहा है वो हंगामे से पीछे भी नहीं हटने वाला है। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ये 3 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब शुरुआत हंगामेदार रही तो अंत भला कैसा होगा। समाजवादी पार्टी की अंतिम तैयारी भी पूरी है और आज भी सपा सदन में सरकार को घेरने का कोई आखिरी मौका नहीं चूकना चाहेगी।
लिहाजा हंगामे के आसार आज भी संभव है। आज पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में सरकार बजट पास कराएगी। इसके लिए पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। सीएम योगी आज सदन में दोपहर 1 बजे करीब बजट पर अपनी बात रखेंगे और बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले भी सदन में शोर शराबा जारी रहा। अखिलेश ने सत्ता पक्ष को यूपी की शिक्षा व्यवस्था से लेकर महंगाई और बजट के मोर्चे पर जमकर घेरा। मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है, ये बजट नहीं बंटवारा है। तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल का है तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप, वो सूची कहाँ है? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे MOU है कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। हालांकि तमाम गहमा गहमी के बीच दो ऐसे मौके आए जब अखिलेश की बातों पर सीएम योगी मुस्कुराते नजर आए। पहला तब जब चाचा शिवपाल का जिक्र आया, दूसरा उस वक्त जब अखिलेश ने राहुल गांधी का किस्सा सुनाया। समाजवादी सरकार में, और मुझे खुशी इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं। जब मैं एक स्कूल में गया, जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। अब आज सुबह जब आखिरी दिन सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो सपा की रणनीति क्या रहती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।